प्रदेश के मैनपुरी में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बदहाल हो चुका है। दिन प्रतिदिन ये बद से बदतर यहाँ की सेवाएं हो चुकी हैं। यहाँ के डॉक्टरों का ईमान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ का स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से नकारा हो चुका है। कोई काम करना नहीं चाहता, जबकि प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रही है। यहाँ एक ऐसा मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जब एक माँ गंभीर अवस्था में अपने दिमागी बुखार से पीड़ित 3 साल के मासूम बच्चे को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचती है, तो उसको कभी इमरजेंसी में ले जाने के लिए तो कभी 100 सैया तो कभी मातृ एवं शिशु अस्पताल में ले जाने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन फिर यहाँ से दोबारा उसे ये कहकर भेज दिया जाता है कि यहाँ 29 दिन के बच्चे को ही भर्ती किया जाता है। बेचारी लाचार माँ दोबारा अपने बच्चे को लेकर इमरजेंसी पहुंचती है तो उसे ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने 100 सैया चिकित्सालय फिर से भेज दिया। इस दौरान लगातार बच्चे की हालत इलाज के अभाव में खराब होती जा रही है, लेकिन उस माँ की सुनने वाला कोई भी चिकित्सक नहीं आया। पूरा मामला मीडिया के जब संज्ञान में आया और चिकित्सकों से जब बातचीत की गई तो तत्काल CMS महिला अस्पताल खुद मौके पर पहुंचते हुए और उसको इमरजेंसी में दाखिल कराते हैं, जिसके बाद उस मासूम का इलाज शुरू होता है। बड़ा प्रश्न यह है कि अगर इस दौरान उस मासूम को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आखिर कौन इसको तय करेगा? इस पूरे मामले में CMS का कहना है कि जैसे ही यह मेरे संज्ञान में पूरा मामला आया, वैसे ही खुद हमने अपने स्टाफ के साथ पीड़ित महिला के बच्चे को एडमिट कराया है और मैं खुद उसको देखने जा रहा हूँ और उसका इलाज शुरू हुआ है या नहीं। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? फतेहपुरा से। ये कहाँ पड़ता है? धन्नार से आगे। क्यों आई है यहाँ पे? बच्चे को दिखाने। क्या क्या समस्या? क्या बच्चे का मांड का बुखार, सूजन शरीर पे आ रही बहुत ज्यादा सीरियस है। यहाँ से इधर से बोल देते हैं वहाँ जाओ, इमरजेंसी से बोल देते हैं इधर जाओ, इधर से घुमा रही है। तो आप यहाँ कब आई थी? आए ऐसे 1 बजे करीब। अच्छा, आप कितना समय हो गया? हो गया अब तो काफी देरों से घूम रही हो इधर से उधर, कोई नहीं सुन रहा। मतलब आप अभी तो 100 सैया हॉस्पिटल में है, आप तो यहाँ से उधर से भगा देते हो, उधर से इधर भगा देते हैं। क्या कह देते हैं डॉक्टर? जाओ उधर भर्ती करेंगे, इधर से बोल देते उधर जाओ उधर भर्ती करेंगे, और बोल देते 28 दिन के बच्चे का वो होता है भर्ती, और नहीं 3 साल का बच्चा नहीं होता है। अच्छा, मतलब 3 साल का बच्चा यहाँ पे नहीं होता भर्ती। हाँ, 100 सैया। ये किसने कहा? डॉक्टर ने। उधर डॉक्टर खड़े थे, पता नहीं वो बोल रहे थे कि 3 साल का बच्चा नहीं हुआ, 28 दिन के तो होते हैं। बताइए क्या, कौन आप इनके साथ आई हैं, क्या समस्या, ये कब आई थी, कैसे क्या यहाँ मना कर दिया गया? 1 बजे से आई है यहाँ पर और इमरजेंसी में जा रही है, तो इमरजेंसी में बोला जा रहा है कि इधर आए, और इधर जब आ जाती है तो कहा जाता है इमरजेंसी में जाने के लिए। इनके बच्चे को अभी तक कोई भी देखभाल नहीं मिली। क्या समस्या क्या है इस बच्चे को? इस बच्चे को माइंड का बुखार है और मतलब सूजन भी है इसको। अच्छा, तो अस्पताल डॉक्टर क्या कह देते हैं? परेशान हो चुकी है। क्या सीरियस कंडीशन है बच्चे की? कितने साल का बच्चा होगा ये? 3 साल का। सीएम साहब, एक महिला जो है अपने बच्चे को लेके यहाँ पर आई थी, दिमागी बुखार उसको है, उसका ये कहना है कि वो करीब 2.5 घंटे से वो यहाँ पे आई अपने बच्चे को लेकर, दिमागी बुखार से पीड़ित था उसका, इमरजेंसी में, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो कहीं इमरजेंसी कह देता है इधर जाइए। करीब 2.5 घंटे हो गए वो लगातार जो है अपने बच्चे को लेके यहाँ पर भटक रही है। आपके संज्ञान में ये मामला अभी आया, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? जैसे मेरे संज्ञान में 2 बजे करीब मेरे संज्ञान में मामला आया, मैडम बाहर मेरे गेट के बाहर बैठी हुई थी, उसने बताया वो पहले इमरजेंसी पुरुष चिकित्सालय के इमरजेंसी में लेके गई थी इस बच्चे को, और बच्चे को ये कह के भेज दिया गया यहाँ पर कि वहाँ जाके दिखाइए। मेरे पेरेंट्स ने इस बच्चे को देखा और इसको दवा लिख दी। उस बच्ची नहीं बैठी हुई थी, उसने कहा मेरे को भर्ती कराना है, तो मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को द्वारा दिखवा के भर्ती का इलाज दिखवा के पुरुष चिकित्सालय इसको इमरजेंसी फिर भेजा था, और डॉक्टर आर के सिंह से मेरी फ़ोन पर बात भी हो गई थी इस बच्चे को भर्ती करने। अभी मेरे को पता लगा कि बच्चा वहाँ से भर्ती नहीं हुआ और उसको यहाँ वापस भेज दिया गया, तो उसको द्वारा भर्ती कराने के लिए भेजा गया, अपना स्टाफ को भेजा गया। अब मैं जा रहा हूँ
देखा हूँ बच्चा लैस। लेकिन खुद आपने ये कहा था कि डॉक्टर के पास भेजा था, खुद आपने भेजा, उसके बावजूद उन डॉक्टर ने वहाँ पर एडमिट नहीं दिया, कि किसकी लापरवाही? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? इस परिसर में दो चिकित्सालय कार्यरत हैं, एक पुरुष चिकित्सालय, एक महिला चिकित्सालय। महिला चिकित्सालय मेरे पास लेबर रूम की जो प्रसूताएँ आती हैं उनको भर्ती की व्यवस्था है, और 28 दिन तक के बच्चे नवजात की व्यवस्था है जिसका मेरा इलाज चलता है और उनका उपचार होता है। उससे बड़े बच्चों का भर्ती और इलाज वो पुरुष चिकित्सालय के एजेंसी के थ्रू होना चाहिए जी। लेकिन उनको भर्ती करना चाहिए ना सर, एक महिला जो है अपने बच्चों को लेके यहाँ टहल रही है, परेशान हो रही है, बावजूद उसके अस्पताल पर उसको भर्ती नहीं कर रहा है। नहीं, उसको भर्ती करना चाहिए। और मेरी बात हो गई थी पहले CMS से, उन्होंने कहा था बच्चे को भेज दो, यहाँ भर्ती हो जाएगा। अब द्वारा भी संज्ञान में आया भर्ती नहीं हुआ है, तो मैं इसको भेज दिया है एम्बुलेंस से, और मैं स्वयं जाकर देख रहा हूँ उसको, बच्चे को भर्ती हुआ है, उसको लाइसेंस दिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।